हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी। दोस्तों, आपके पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाले हो बहुत ही अच्छा एंड्रॉइड का ट्रिक्स। दोस्तों, आपके पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल है और वो एंड्रॉइड मोबाइल का बैटरी आप लोग बहुत ही जल्दी आपका बैटरी खत्म हो जा रहा है, बैटरी बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, इस ट्रिक्स में आप लोगों को दिखाऊंगा एक अच्छा खासा एक जानकारी, जिसके मदद से आप लोगों को जो लाइफ टाइम आपका मोबाइल का बैटरी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग जब नया मोबाइल खरीदते हो तो कुछ टाइम मोबाइल को यूज करने के बाद, 2-6 महीना मोबाइल को यूज करने के बाद आपका मोबाइल का बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, पहले की तरह बैटरी का चार्ज सर्विस आप लोगों को नहीं देता है। दोस्तों, एक इसलिए होता है, आप लोग जब मोबाइल नया परचेस करते हो तो उसमें कुछ ही एप्लीकेशन रहते हैं, कुछ ही डिफॉल्ट एप्लीकेशन रहते हैं, लेकिन आप लोग मोबाइल को जब यूज कर रहे हो तो आप लोग मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वो कैम का एप्लीकेशन है तो आप लोगों को रखना चाहिए, और आप लोग एक दिन दो दिन यूज करने के बाद एप्लीकेशन कोई भी काम का नहीं है तो पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए। दोस्तों, मेरा मोबाइल में ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है, आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हो रेड बॉक्स टीवी, इसका काम अभी मेरे को नहीं है, तो मैं फिर भी मेरा मोबाइल में एप्लीकेशन है तो मैं इसको अनइंस्टॉल करके आप लोगों को सामने दिखाता हूँ। दोस्तों, ये एप्लीकेशन अगर मेरा मोबाइल में रहता तो क्या होता है एप्लीकेशन का काम, जो मेरा मोबाइल का बैकग्राउंड में बैटरी को मेरा खा लेता, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को देखना होगा आपका मोबाइल में कौन सा एप्लीकेशन काम का नहीं है, ठीक है। बस एप्लीकेशन को आप लोगों को डायरेक्ट अनइंस्टॉल करना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन आपका मोबाइल में रहेगा तो आपका मोबाइल का बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा और आपका मोबाइल को डिस्चार्ज करता रहेगा, बैटरी का परसेंटेज जो खाता रहेगा। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आपका मोबाइल में अगर अननेसेसरी एप्लीकेशन है, आप लोग उसको यूज नहीं कर रहे हो तो पहले आप लोग उसको अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद दोस्तों, आप लोग देखा होगा कि आपका मोबाइल में ऐसा भी एप्लीकेशन है जो आप लोग पर डे उसको यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप लोग दो दिन बाद, 1 वीक में एक बार उसको यूज कर रहे हो, तो दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अगर आपका पास ऐसा एप्लीकेशन है तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन को फुल स्टॉप करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग एप्लीकेशन को फुल स्टॉप करके रखोगे तो क्या होगा कि आपका मोबाइल का जो चार्ज नहीं खा पाएगा। आप लोग जब तक एप्लीकेशन को ओपन नहीं करोगे तो उस एप्लीकेशन आपका मोबाइल से 1% की बैटरी नहीं खा पाएगा, क्योंकि आप लोग उसको फुल स्टॉप करके रखा हो, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग जब नया मोबाइल खरीदते हो तो आपका मोबाइल में इतना सारा एप्लीकेशन नहीं रहते हैं तो आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप जो अच्छा रहता है, लेकिन आप लोग जब बाद में बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, काम का एप्लीकेशन नहीं है आपका मोबाइल, तब भी एप्लीकेशन रह जाता है तो आपका मोबाइल का बैटरी जो ज्यादा ले लेता है, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा दूसरा ट्रिक्स। आपका मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन, शायद मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग जो मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं डॉक्टर, बैटरी डॉक्टर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने खुद देखा है जो बहुत सारे लोग आपका उसका मोबाइल में बैटरी डॉक्टर, इसी तरह का बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोग गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इसी टाइप का कोई भी एप्लीकेशन को आपका मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है। एक कुछ भी काम का एप्लीकेशन नहीं है ये आपका मोबाइल में रहेगा तो आपका मोबाइल का बैटरी और भी ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। बैटरी और भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इसी तरह का कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल मत करो। ये कोई भी काम का नहीं एप्लीकेशन है, काम का एप्लीकेशन है ही नहीं दोस्तों, तो आप लोग इसको किस लिए इंस्टॉल करोगे, ठीक है। सिर्फ दिखाता है आपका मोबाइल में इतना परसेंट बैटरी सेव हो रहा है, इतना परसेंट हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग नहीं जानते इसका बैकग्राउंड में बहुत सारा बैटरी को ले लेता है, बहुत सारा बैटरी का जो चार्ज वो खा लेता है। दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बैटरी मोबाइल में बहुत सारा क्लीनर रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसे क्लीनर भी नहीं रखना है, बहुत सारा क्लीनर अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग अगर कोई भी क्लीनर को रखना चाहते हो तो आपका मोबाइल में है कोई भी क्लीनर है, दोस्तों आपके मोबाइल में अगर कोई भी क्लीनर है तो मैं पहले आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अभी के अभी आप लोग मोबाइल से उसका अनइंस्टॉल कर दो, अगर आपका मोबाइल का बैटरी ठीक से नहीं चार्ज सप्लाई दे रहा है तो। दोस्तों, ये एप्लीकेशन भी कुछ भी काम का नहीं है, ये सिर्फ दिखा था आपका मोबाइल के से इतना परसेंट, इतना जीबी, इतना एमबी क्लीन कर दिया, लेकिन दोस्तों आपका मोबाइल का जो और भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में बहुत सारा बैटरी को कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत सारा बैटरी को आप लोगों को मोबाइल से ले लेते हैं। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इस टाइप का एप्लीकेशन अगर आपका मोबाइल में है तो पहले आप लोग इसको अनइंस्टॉल करके रखो, ठीक है। और दोस्तों, क्या होता है कि आप लोग जब बैटरी को चार्ज करते हो तो आप लोग अगर बैटरी को मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा हो सकते हैं, ठीक। आपका बैटरी का बैकअप जो बहुत ही अच्छा चलेगा, लॉन्ग टाइम आप लोगों को सर्विस देगा, ठीक है।
तो आप लोग ट्राई करो, आप लोग जो मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो उसका जो मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज कर सकते हो। अगर संभव है तो आप लोग मोबाइल को स्विच ऑफ करके ही चार्ज करो। और दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान में रखना होगा, आप लोग जो मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो मोबाइल का चार्ज है 20% के नीचे जाने से पहले आप लोगों को मोबाइल को चार्ज में डालना होगा, क्योंकि आप लोग अगर मोबाइल को 20% के नीचे आ जाए उसके बाद चार्ज करोगे तो आपका मोबाइल का बैकअप अच्छा नहीं देगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा मोबाइल 0% हो जाएगा तब मैं चार्ज में डालूंगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप लोग अगर मोबाइल का बैटरी को लेकर प्रॉब्लम में हो, परेशान हो, तो आप लोग अगर मोबाइल का बैटरी 20% से नीचे आए इसके पहले आप लोग मोबाइल को चार्ज में डाल दो। और आप लोग ट्राई करो, आप लोग मोबाइल को जब चार्ज कर रहे हो तो उसको स्विच ऑफ करके चार्ज करना ट्राई करो, ठीक है। अगर आप लोग स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग फ्लाइट मोड करके भी चार्ज कर सकते हो, इससे क्या आपका नेटवर्क सर्विस ऑफ रहेगा तो आपका मोबाइल ढंग से चार्ज हो पाएगा, ठीक है। दोस्तों इसी तरह आप लोग जो तो मैं दो चार टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ तो आप लोग ट्राई करो इसको यूज करने में। आप लोगों को 100% दे रहा हूँ कि आपका मोबाइल का बैटरी पहले से अच्छा सर्विस देगा, पहले से अच्छा बैकअप देगा, ठीक है। और एक ट्रिक से आप लोग जब मोबाइल को चार्ज कर रहे हो तो आपका खुद का ओरिजिनल चार्जर से ही इसको चार्ज करना होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं कि दूसरा कोई भी बंदा का चार्ज से आपका मोबाइल चार्ज कर लिया, इससे आपका मोबाइल का बैटरी को नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो, आपका खुद का एंड्रॉयड मोबाइल है तो खुद का चार्जर से ही मोबाइल को चार्ज करना होगा, ठीक है। दूसरा कोई भी चार्जर से इसको चार्ज मत करो, क्योंकि इससे आपका बैटरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकते है। आप लोग आज नहीं देख पाओगे लेकिन कुछ टाइम बाद आप लोग ऐसे करते हो कि मोबाइल को दूसरा कोई चार्जर से चार्ज करते हो, आप लोग कुछ टाइम बाद आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना होगा। और दोस्तों आप लोग जब मोबाइल को चार्ज करते हो तो मोबाइल को आप लोग ट्राई करो 90% आपका बैटरी चार्ज, जब 90% हो जाएगा तो आप लोग मोबाइल को चार्जर से निकाल लो, 100% मत करो, आप लोग 90% करके ही चार्ज करो, इससे आपका बैटरी का बैकअप जो अच्छा चलेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम बैटरी का लॉन्गजीविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग मोबाइल का जब चार्ज कर रहे हो तो 100% मत करो, इससे आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप अच्छा नहीं देगा। 20% के नीचे आने के पहले से इसको चार्ज में डाल दो और 90% जब हो जाए इसको चार्ज से निकाल लो। दोस्तों इसी जो मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक्स शेयर किया हूँ तो इसको आप लोग फॉलो करना होगा। इस ट्रिक्स को आप लोग फॉलो करोगे तो आपका बैटरी बैकअप अच्छा चलेगा, बैटरी को लॉन्गजीविटी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को दूसरा परेशानी नहीं होगा कि आप लोगों का बैटरी सर्विस ठीक से नहीं दे रहा है, बैटरी का परसेंटेज जल्दी खत्म हो रहा है, तो आप लोगों को इस परेशानी को फेस नहीं करना होगा अगर आप लोग मेरा ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट करके बोलना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और सब्सक्राइब पास वाला जो बेल आइकन है दोस्तों उसको भी दबा कर रखो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।